Hey guys, what's up? Welcome or welcome back to my channel. मेरा नाम है आकृति और आज मैं बनाने जा रही हूँ लेमन पाई जो कि मैंने फराह खान मैम के YouTube चैनल पे देखी थी एंड बहुत ही मस्त लग रही थी. क्विक एंड इजी डिजर्ट ऑप्शन भी है तो मैंने सोचा क्यों ना इसको ट्राई किया जाए. और मैंने कभी भी लेमन पाई ट्राई नहीं किया है, मतलब मैंने सुना है एप्पल पाई और मैंने ट्राई कभी नहीं किया है. सो एप्पल पाई सुना है, लेमन पाई भी सुना था मतलब ऐसा, बट मैंने ट्राई कभी नहीं किया है. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम गोना ट्राई लेमन पाई और मैं खुद बना रही हूँ. सो यस, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस. बहुत इजी स्टेप है. तीन चीजें चाहिए, बिस्किट, मिल्क मेड एंड अमूल की फ्रेश क्रीम. कोई भी क्रीम दे लो, अमूल की ही क्या. सो बस ये तीन चीजें चाहिए. एंड उन्होंने ना जिंजर बिस्किट भी डाले थे बट वो मैं नहीं अरेंज कर पाई. सो कोई नहीं, हम नॉर्मल डाइजेस्टिव बिस्किट यूज करेंगे, कंडेंस मिल्क एंड फ्रेश क्रीम और फिर उससे बनाते हैं. तो चलो देखते हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड कैसा बनेगा, कैसा टेस्ट होगा. अगर अच्छा बनेगा ना तो ये मेरा डिजर्ट ऑप्शन रहे. आई एम सॉरी, लेमन भी चाहिए इसमें बिकॉज इट्स अ लेमन पाई, तो लेमन कैसे भूल सकती हूँ मैं. तो लेमन चाहिए, लेमन, कंडेंस मिल्क, देन फ्रेश क्रीम एंड देन बिस्किट. सो डाइजेस्टिव बिस्किट वी हैव, एनी काइंड ऑफ बिस्किट यू कैन यूज, उन्होंने ऐसा मेंशन किया था. तो चलो लेट्स स्टार्ट. सो मैं यूज कर रही हूँ ब्रिटानिया के न्यूट्री चॉइस डाइजेस्टिव बिस्किट एंड ये पूरा एक पैकेट में यूज करने वाली हूँ. सो लेट्स ओपन दिस. मैंने ये बिस्किट बहुत रेयर खाए हैं, मुझे याद भी नहीं कि लास्ट टाइम मैंने कब खाए थे. तो पहले हम बिस्किट को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं. ऑब्वियसली कुछ बनाने से पहले थोड़ा बहुत टेस्टिंग तो चलता है. इट्स गुड नॉट, शुगर कम है इसमें थोड़ी. बिस्किट इज वेरी नाइस. सो बिस्किट का टेस्टिंग हो गया है और अब हम चलते हैं लेमन पाई बनाने की तरफ. सो हम लेंगे एक जार और इन बिस्किट्स का हमें चूरा बनाना है तो हम उनको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे. थोड़े थोड़े करते हैं नहीं तो ये होगा नहीं ब्लेंड. एक बार चेक कर लेते हैं तो इतने बिस्किट्स ये नहीं ग्राइंड हो पाए, कोई बात नहीं. आई थिंक बिस्किट्स को हमें तोड़ के डालना चाहिए सो वो बेटर रहेगा. तो मैं बिस्किट्स को तोड़ के डालती हूँ ताकि ये एक बार में ही ब्लेंड हो जाए. दिस इज वेरी सॉफ्ट है, मतलब ऐसे करते ही टूट रहे हैं. वेरी सॉफ्ट. चलो इसको ब्लेंड कर लेते हैं और मिलती हूँ आप लोगों से ब्लेंड करने के बाद. सो हमारे बिस्किट्स अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं, चूरा चूरा हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही चूरे हो गए हैं इसके. सो हमारा एक प्रोसेस होता है कंप्लीट जो भी था बिस्किट को एकदम चूरा चूरा करना. और अब हम बनाते हैं ऊपर का लिक्विड जो कंडेंस मिल्क, लेमन एंड फ्रेश क्रीम से बनेगा. तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क. और उसके बाद इसमें जाएगी फ्रेश क्रीम. ओहो इट्स ऑलरेडी ब्रोकन. ओके
उन्होंने क्वांटिटी नहीं मेंशन की थी, तो मैं अपने हिसाब से क्वांटिटी ऐड कर रही हूँ। और अब इसमें जाएगा लेमन वाटर, और अब इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। Mix. लेमन की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है, आई डोंट नो कैसा बनेगा यार, क्वांटिटी मेंशन कर देते नीचे। आई थिंक मैंने दो दो डब्बे सबके यूज किए हैं और 5 से 6 लेमन यूज किए हैं। सो जो ये लिक्विड था वो रेडी हो चुका है, अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। सो फॉर प्लेटिंग हमें ऐसा कोई भी टिन चाहिए, कोई भी आप ले सकते हो। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे ये बिस्किट का चूरा, थोड़ा सा उन्होंने रखने के लिए बोला है ताकि हम गार्निश कर सके ऊपर से। इसको अच्छे से ऐसा इक्वली स्प्रेड कर देंगे टिन में। यार आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द रिजल्ट्स, कैसा लगेगा ये खाने के बाद। एंड ये बहुत टाइम टेकिंग है बिकॉज इसको रेफ्रिजरेट करना है अराउंड 3 to 4 hours। मैं तो वेट ही नहीं कर पाऊंगी 3 to 4 hours तक, बीच बीच में इसको चेक करती रहूंगी बन गया कि नहीं, बट इसको प्रॉपर बनने के बाद ही मैं निकालूंगी, इतना मुझे पता है। सो इट्स डन नाउ। तो ये अच्छे से सब सेट हो गया है और अब हम ये लिक्विड इस पे पॉर करते हैं। यार मैंने लिक्विड ज्यादा बना दिया क्या, मैं पूरा डाल देती हूँ। कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ उसमें डाल देना है बिकॉज उन्होंने कहा है डोंट वेस्ट फूड। नहीं ये मैंने कहा है डोंट वेस्ट फूड, आई डोंट लाइक इसके ऊपर जैसा जो भी जमा है ना वो सारा ऐसा निकल के आना चाहिए। व्हाई टू वेस्ट फूड राइट, जब इतना सब कुछ है, इतना सब निकल रहा है राइट। शुड आई टेस्ट दिस, ये कैसा है, लेट मी जस्ट टेस्ट। हमने जो ये लिक्विड बनाया था ना वो मैं टेस्ट करके देखती हूँ कि ये अभी कैसा टेस्ट आ रहा है। क्वाइट नाइस, ऐसे खाने में तो अच्छा लग रहा है। और नींबू का जो खट्टापन है वो भी आ रहा है थोड़ा। आई शी इज राइट, लाइक जिंजर डालते ना तो खट्टा और थोड़ा स्पाइस आ जाता उसमें, ऐड हो जाता जिंजर बिस्किट डालते तो। बट कोई नहीं, ऐसे ट्राई करते हैं नेक्स्ट टाइम, हम जिंजर बिस्किट के साथ भी ट्राई करेंगे। चलो इसको गार्निश कर देते हैं जो हमने बिस्किट का चूरा बनाया था उससे। दिस लुक्स सो टेम्पटिंग, ऐसा लग रहा है अभी खा जाऊं, बट वो रेफ्रिजरेट होके एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगा तो तब खाने में मजा आएगा। यार सही बात है, कोई भी चीज के ऊपर ऐसे थोड़ा गार्निश कर दो और वो एकदम एक्सपेंसिव डिश बन जाएगी तुम्हारी। और डालो क्या, कि बस ज्यादा भर देंगे तो गंदा लगेगा। ठीक है चलो इतना बहुत है। सो ये रेडी हो चुका है, अब इसको हम रेफ्रिजरेट करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, या फिर 4 घंटे तक भी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि ये पूरा अच्छे से सेट हो जाना चाहिए। फ्रिज में तो जगह ही नहीं है, कोई नहीं, वी विल ट्राई टू एडजस्ट दिस समथिंग। चलो इसको इधर सेट को सारी कोशिश करते हैं। और ये खुल चुका,
मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। इसको हमने रख दिया है रेफ्रिजरेट होने के लिए। 2 से 3 घंटे बाद हम मिलते हैं। शाम के बज रहे हैं 7:30 और हम इसको रात को 12 बजे देखेंगे, चेक करेंगे और 12 बजे ही हम खाएंगे क्योंकि डिजर्ट का टाइम तो रात को 12 बजे होता है ना। सो यस बाय। हाय गाइस, सो रात के बज रहे हैं 11 और अभी हम अपना लेमन पाई चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से फ्रीज हो गया है नहीं। बाय द वे 3 से 3.5 घंटे हो गए हैं उसको फ्रीज हुए, तो चलो। So, ये रहा हमारा लेमन पाई, दिखने में तो लग रहा है फ्रीज हो गया है ना। So, एक बार इसको कट करके देखते हैं। नीचे का जो बिस्किट है वो एकदम जम गया है, चक्कू से भी नहीं हो रहा, ज्यादा ही फ्रीज हो गया लगता है। अभी हम स्पून की हेल्प से इसको, ओ माय गॉड, लुक एट दिस शेप गाइस, वाओ दिस इज सो अमेजिंग। इसको हम एक प्लेट में रखते हैं, अभी हम इसको टेस्ट करके भी देखते हैं। सो लेट्स टेक द फर्स्ट बाइट। इसकी लेयर काफी अच्छी बनी है और दिखने में तो ये काफी टेम्पटिंग लग रहा है। ऐसे लग रहा है किसी के ऊपर ऐसे चादर गिरा देते ना, वैसे पूरा ये कवर हो गया है। टेस्ट करके देखते हैं ये कैसा बना है। तो ये आप लोगों के लिए और चलो इसको टेस्ट करते हैं। दिस इज जस्ट अमेजिंग। पूरा ऐसा माउथ में ऐसा मेल्ट हो जा रहा है जाके। मुझे तो ये बहुत मस्त लगी और ये मेरा फेवरेट डेजर्ट बन गया है। सो गाइस, अब मैंने जिन लोगों के लिए लेमन पाई बनाया है उन लोगों को मैं बुला लेती हूँ, आ जाओ। सो ये है मेरे भांजा भांजी। हाय गाइस, मैं दीदी के बच्चे एंड अब इनको हम टेस्ट करवाते हैं। कैसा? बहुत बढ़िया उन्हें, बहुत मस्त है। आ जाओ, कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, मुंह में घुस जाता है। ठीक है गाइस, तो आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करना अपने घर पे। थैंक्स टू फरा मैम जिनकी वजह से मैंने ये लेमन पाई बनाया और मैंने बहुत इंजॉय किया, बच्चे लोगों ने भी बहुत इंजॉय किया। दे आर कैमरा शाय तो इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, बट इनको बहुत अच्छा लगा ये, बट दे रियली एंजॉयड ईटिंग दिस लेमन पाई एंड मुझे भी काफी अच्छा लगा। सो यस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय गाइज।